नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो जो है एंड तक, आखिर तक देखा करिए। मैं उसमें तो आइए, चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं। गाइस, आप देख पा रहे हैं मेरे फेस पे हल्का फुल्का मेकअप है। पहले हम इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करेंगे, कोई क्लींजर यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करेंगे। क्लींजिंग मिल्क का वो कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट ले रही हूँ वो है हिमालया का प्रोडक्ट है, और ये ऑल स्किन टाइप है वैसे तो, लेकिन ऑयली स्किन में अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा स्किन में ऑयल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है। इसके बाद फिर हमें फेस वॉश यूज करना पड़ता है। बट ड्राई स्किन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। जो भी यानी कि मेकअप को जब साफ़ कर लेंगे उसके बाद भी हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल ही रहेगी, हमें ऐसा ड्राइनेस वाला फील नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं हमें इसको यूज कैसे करना है। इससे हमें एक दो मिनट ही सर्कुलर मोशन में मसाज करनी होती है बस। फिर इसको हमें कॉटन से या वाइप से निकाल देना है। और गाइस, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करना है वो है हमारा स्क्रब। ठीक है, अब स्क्रब क्या काम करता है हमारी स्किन पे, आप ये हम ले रहे हैं जो स्क्रब है, एप्रिकॉट स्क्रब ले रहे हैं, हिमालया का है। और ये हमारी स्किन को बहुत ही डेड स्किन सेल्स को निकाल देता है, बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल स्किन रखता है हमारी, और ब्लैक हेड्स भी रिमूव करता है। और इसमें साथ में विटामिन ई है। विटामिन ई ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई से हमारे स्किन में ग्लो रहता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है इसको यूज करने से। तो आइए जानते हैं हमें इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने में हमें थोड़ा सा पानी लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से लगाइएगा, वरना स्किन को रैशेज होने का रहता है कि स्किन पे रैशेज आ जाते हैं या स्किन हमारी डैमेज भी हो जाती है कभी कभी। और बहुत धीरे धीरे से हाथ चलाइएगा, इससे आपके जो स्किन में डेड स्किन है आपकी और जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो सारा कुछ ये स्क्रब निकाल देगा। विटामिन ई के साथ में है तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रब जैसे ही हम निकालेंगे उसके बाद में आप यहाँ पे स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद में फिर आप नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। दो से तीन मिनट ही मसाज करनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। आँखों के आसपास हम नहीं करेंगे इससे स्क्रब से। क्लींजिंग मिल्क हमने यूज किया था आँखों के आसपास, वो सफिशेंट है, उसने जो भी हमारा मेकअप वगैरह था वो निकाल दिया है।
अब इसको गीले वाइप से हम क्लीन करेंगे, सूखा यूज़ नहीं करना है, और इतने अच्छे से हमें क्लीन करना है कि इसमें जो भी दाना था वो ना रहे, छोटे छोटे से कण होते हैं स्क्रब में। आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं जाके इसको। अगर लगे आपको कि दाना है तो आप एक बार और इसको ले सकते हैं, जैसे कि मैं वाइप्स को लेके आ रही हूँ, फिर से इसको क्लीन करूँगी। जो हमने क्लींजिंग मिल्क यूज किया था वो स्किन को बहुत रिफ्रेशिंग फील देता है, मतलब जो थकान वगैरह होती है हमारी स्किन में, स्किन जो हमारी डल हो रही होती है वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है, और स्क्रब जो है हमारी स्किन से डेड स्किन को निकाल देता है। गाइस, यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, अगर आपके पास कोई मसाज क्रीम रखी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब एलोवेरा जेल के साथ आपको यूज क्या करना है, यहाँ पे है ये सीक्रेट पॉइंट। देखिएगा, एलोवेरा जेल लिया मैंने, अब यहाँ फिर मैं ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, इसको कट कर लिया है मैंने और इसमें मैंने इसको पूरा मिला दिया है। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इससे हम अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस पे। विटामिन ई का यूज करने से हमारी स्किन में थोड़ा ताजगी आ जाती है, हम रिफ्रेश हो जाती है, हमारी स्किन ग्लो आता है। ड्राई स्किन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स आने लगते हैं एज से पहले, वो नहीं आते हैं। विटामिन ई अगर ऑयल, इसको भरपूर मात्रा में हमें स्किन को देना है, अगर ऑयल की कमी रहेगी, यहाँ पे हम आँखों के आसपास भी कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए आप इसको, 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं, नहीं 5 मिनट तो आपको करना ही है इसको। और कोशिश करिएगा पानी भी पर्याप्त मात्रा में लेकर के आप मसाज करते रहिए, और इस जेल को आप निकालिए मत, इसको इतना मसाज कर दीजिए ये 5-10 मिनट के अंदर ही पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं आप, अब इसको हमें निकालना नहीं है, हमें इसको स्किन पे ही छोड़ देना है, स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो स्किन में जो हमारी ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, जो रफ है स्किन हमारी, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए गाइस, अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज करेंगे अपना पैक। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रूट पैक। ओके गाइस, ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे है, डीप क्लींज करता है स्किन को, और ये पपाया और एप्पल से मिलके बनाया हुआ है, और पपाया में भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और एप्पल से हमारी स्किन में बहुत ग्लो आता है, और एप्पल से हमारी स्किन में एक साइन अलग से ही हमें देखने को मिलती है।
गाइस मेरा पैक सूख गया था तो मैं इसको वॉश करके आ गई हूँ और मैंने अभी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हैं और स्किन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। स्किन एकदम से रिफ्रेश हो जाएगी आपकी, बहुत नरिश हो जाएगी और आपकी स्किन में खिंचाव, ड्राई स्किन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस वाली, वो भी आपको फील नहीं होगा बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्लीनर बहुत अच्छा है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है विटामिन ई और विटामिन ए से भरा हुआ क्लीनअप जो मैंने आपको बताया है। गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।